हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो आज अपन चर्चा करते हैं फ्रेंड्स स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2016 के साइकोलॉजी पेपर के बारे में, जिसमें जो 30 मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे साइकोलॉजी के, उन पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन जिसका है वह है स्किनर, क्रो व क्रो, डेविस या बी एन झा। तो ये माना जाता है फ्रेंड्स स्किनर का कथन, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह क्षेत्र है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में या उपरोक्त सभी में। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पावलो, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोलर। तो ये माने गए फ्रेंड्स पावलो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या उपरोक्त सभी। तो इनमें जो डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार या जनतंत्रीय अनुशासन। तो इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है पारिवारिक संघर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना है, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है प्रायोजना विधि, परिचर्या, विचार समिति या अभिक्रमित अधिगम। तो इनमें जो अभिक्रमित अधिगम है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है यह कथन जिसका है वह किंग्सले, गेटस, क्रो क्रो एंड क्रो ने ब्रेक। तो ये गठन माना गया है फ्रेंड्स ये यानी कि क्रो एंड क्रो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुदेशन सामग्री नहीं है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो के सेट, मुद्रित सामग्री या ट्रांसपेरेंसी। तो इनमें जो ए ऑप्शन दे रखा है ओवरहेड प्रोजेक्ट सही है। नेक्स्ट, सूचना एवं संचार औद्योगिकी में शामिल है ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुशेट के माध्यम से सीखना या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक और राजनीतिक चेतना और अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स व्यवहार का रूपांतरण सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता। तो डी ऑप्शन सही है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदेहिक। तो इसके अंतर्गत सीखा जाता है फ्रेंड्स पारंपरिक अनुकूलन सही है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, शीघ्र ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो इससे बालक शीघ्र सीखता है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रेरक के अंतर्गत शामिल है प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था यह कथन जिसका है वह है ब्लेयर, स्टेनले हॉल, क्रो एंड क्रो और एडलर। तो यह माना गया फ्रेंड बी ऑप्शन स्टेनले हॉल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन और उपरोक्त सभी। तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी सभी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री है पवन मिल का कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी जो अपन कहते हैं सहायक शिक्षण सामग्री है। निम्न में से कौन सा कथन सही है वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण की गति को बढ़ा देता है, इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है, वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है या वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वायरस क्या एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, ए और बी दोनों या सूचना प्रदान करना। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर त्रुटि सूचनाएं तैयार करता है, कंप्यूटर किसी भी समय तक आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। तो यह एक बोनस क्वेश्चन माना गया है फ्रेंड्स क्योंकि चारों की चारों अपन मान सकते हैं कंप्यूटर की मुख्य सूचना मानी गई है।
नेक्स्ट शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर के प्रतिपादक डेविड ओसुबोल, हिदाताबा, रिचर्ड सकमेन और कोलर। तो इनमें फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो अपना डेविड ओसुबोल है वह ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अपना सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर है बोध या अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दे रखा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन मूल्यांकन सही है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो यह होता है फ्रेंड्स संपर्क से, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वह विद्यालय, परिवार, समुदाय या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मोडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने का ईमेल पता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा का उदाहरण है विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर या उपरोक्त सभी। तो इनमें उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वह सही है, यानी डाटा, विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर सबकी सूचना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी सही है, यानी मानसिक विकास के पक्ष निरीक्षण, चिंतन, ध्यान सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सिद्धांत में निहित होता है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षा का प्रभाव या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समस्या बालक नहीं है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला या मंदबुद्धि वाला। तो इनमें से अपन कहेंगे फ्रेंड्स जो मंदबुद्धि वाला है वह सही है, डी ऑप्शन, एक समस्या बालक है नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे 2016 फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाने वाले साइकोलॉजी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे फ्रेंड्स, अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक्स।